महाराज जटायु, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचपन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख लें कि नागराज पंचपन यहाँ नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। मेरे विचार से हमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। महाराज, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सेनापति को अधिकार होता है। इसमें आम सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चित्रकेतु जी, अपनी सुविधा अनुसार कभी आप आम समिति की बात करते हैं तो कभी राजभक्ति की, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णय को लेने का अधिकार हम गरुड़ राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है। मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी हनुमान से सहमत हूँ। गरुड़ों और नागों के बीच जिस शांति के स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तुमने इतना अथक परिश्रम किया था पंचपन, वो कल सदैव के लिए रक्त रंजित लालिमा में विलीन हो जाएगा। सूर्योदय की प्रतीक्षा करो पंचपन। युद्ध के दूत अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। कल प्रातः हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। गरुड़ों का सर्वनाश होगा और दिव्य पंख हमारा होगा। गरुड़ और नाग एक ही वंश की उत्पत्ति है मेघासुर। यह युद्ध अनावश्यक है। एक ही वंश की उत्पत्ति है तो सदैव हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? सागर मंथन से प्राप्त हुए अमूल्य रत्नों से हमें क्यों वंचित रखा गया? थोड़े से विष के अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ हमें? मैं मेघासुर वो अधिकार दिलाऊंगा नागों को जो तुम वासुकी और अनंतनाग नहीं दिला पाए। ये जो तुम कर रहे हो अनुचित है मेघासुर। संसार विजय की जय घोष करते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करता पंचपन। मेघासुर नागों को सर्वशक्तिमान बनाएगा। तुम्हारी पराजय होगी मेघासुर। बुरे की सदैव हार होती है। तुम सत्य कहते हो पंचपन। उन घृणित गिद्धों की अवश्य पराजय होगी। मैं और काल देवी अवश्य सफल होंगे। आज की रात्रि इनकी आखिरी रात्रि होगी और कल तुम्हारे मित्र जटायु की मृत्यु के पश्चात तुम्हें भी प्राणों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे मित्र गरुड़ों और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा रक्षा। हनुमान। हनुमान को सफलता नहीं मिलेगी। गरुड़ों का संहार होगा। मृत्यु के पूर्व वो यही चित्कार लगाएंगे, चीख चीख कर प्रलाप करेंगे। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, हनुमान को समय रहते ये सब ज्ञात नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध टल जाएगा।
मैंने अपना धर्म निभाया है। हनुमान, मैं आपका आभारी हूं, आपने पुनः हमारी रक्षा की है। परंतु मैं महाराज नागफन की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं। मैं आशा करता हूं कि कल सुबह तक नाग प्रतिनिधि को सत्य का ज्ञात हो जाएगा और उसके पश्चात हम सब मिलकर नाग पंचफन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी महाराज। हनुमान, आज आप हमारे विश्राम गृह में विश्राम कीजिए। कल का सूर्य शांति की एक नई किरण लेकर आएगा। युद्ध के बादल शांति की लहर से कम हो रहे हैं। सुग्रीव, केसरी ने हमारे निमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया। भैया, हमने दूत भेजा है, वो पहुंच रहा होगा। मैं चाहता हूं कि केसरी को यह ज्ञात हो जाए कि महानतम वाली अब किष्किंधा के महाराज बन गए हैं। किंतु भैया, ये किंतु परंतु, त्रस्त आ गया हूं मैं इस किंतु परंतु से। यदि केसरी ने स्वयं यहां आकर मेरा अभिनंदन नहीं किया तो मैं ये बलपूर्वक भी कर सकता हूं। इस सभा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। महाराज बाली, महाराज बाली, दूत, शीघ्र बताओ, मित्र ऋक्षराज सकुशल तो हैं? युवराज माली ने स्वयं को महाराज की उपाधि से संबोधित क्यों किया? महाराज केसरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। प्रणाम महाराज केसरी जी। किष्किंधा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। युवराज ने अपने पिता महाराज को सिंहासन से उतारकर उनके सिंहासन पर स्वयं आसीन हो गए हैं। हम बड़ी कठिनाइयों से अपने प्राण बचाकर वहां से निकले हैं। जी महाराज केसरी जी, अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर महाराज वाली विराजमान हैं। उन्होंने वन के समस्त राजाओं की सभा का आयोजन किया है, उसके लिए आपको भी सादर आमंत्रित किया है। युवराज वाली से कहना मैं उनके आमंत्रण पर विचार करूंगा और उस पर अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत करवा दूंगा। ठीक है महाराज। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि शीघ्र ही ये युद्ध रुक गया तो मैं शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा और अपने मित्रों से मिलूंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। मैं अवश्य चलूंगा भैया हनुमान।
नागों को अपने समीप अन्य नागों की उपस्थिति का आभास हो जाता है। नागों के प्रतिनिधियों को तो कल प्रातः यहाँ आना था, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाग यहीं मेरे समीप गरुड़ राज्य के भीतर हैं? कठिनाइयों से मित्र हनुमान ने शांति प्रस्थापित की है। यदि अन्य नाग यहाँ नहीं है और मैंने केवल संशय के आधार पर किसी को भी सचेत कर दिया, तो गरुड़ शांति का प्रस्ताव ठुकरा देंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। यदि अन्य नाग यहाँ है तो मुझे उन्हें अनुरोध कर यहाँ से लौटाना होगा। मित्र हनुमान, हम नागों को वटवृक्ष के फलों का स्वाद अत्यंत प्रिय होता है। उसका अनूठा आनंद उसके समीप जाकर ही प्राप्त होता है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मेरा कुछ समय बाहर वटवृक्ष के पास व्यतीत करूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं लौटा क्यों नहीं? ये बाली का जाल है महाराज केसरी। मैं इसलिए शीघ्र ही आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ पर चला आया कि आप बाली का निमंत्रण स्वीकार ना करें। महाराज उसकी योजना है कि वो अपनी सभा में समस्त राजाओं को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल देगा और फिर स्वयं को महानायक घोषित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर देगा। महाराज, मित्र ऋक्षराज मेरे दुख एवं सुख के साथी हैं। वो मेरी विपत्ति में सदैव मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। जब कालदेव मेरे प्राण हर कर ले गए थे तो वो मेरी एवं मेरे परिवार की सहायता के लिए दौड़े चले आए थे। आज उनके संकट का समाचार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कुछ भी हो, उनकी विपत्ति के समय पर उनकी सहायता के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। परंतु महाराज केसरी जी, बाली की महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया है। हो सकता है वो आपको भी क्षति पहुंचा दे। महाराज, महाराज बाली मेरे पुत्र के समान है। वो स्वयं मेरे पुत्र हनुमान के समान है। यदि पुत्र मार्ग भटक जाए तो उसे उचित अनुचित पथ का ज्ञात कराना हमारा कर्तव्य है। वो अवश्य मान जाएगा। वो मेरी बात मानकर अपने पिता ऋक्षराज को कारागृह से मुक्त कर देगा। नहीं महाराज, वाली के दम ने उसके विवेक को हर लिया है। वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा। तब मुझे वाली से युद्ध करके अपने मित्र ऋक्षराज को मुक्त कराना ही होगा।
नहीं स्वामी, आप जानकर संकट के मुख में प्रवेश मत कीजिए। हनुमान भी गरुड़ राज्य गया हुआ है, आपको हनुमान के लौट कर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी अंजना, हनुमान के लौटने पर उसे किष्किंधा भेज देना। मेरे मित्र ऋक्षराज और उसके दोनों पुत्र वाली और सुग्रीव पर भयंकर संकट छाया हुआ है। वाली में अनेकों सद्गुण हैं, वो अवश्य किसी के दुष्प्रभाव से प्रभावित है। मैंने विलंब किया तो न जाने वहां क्या अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वाली मेरी बात मान जाएगा। किष्किंधा के लिए मेरे प्रस्थान की शीघ्र व्यवस्था की जाए। भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? हनुमान भैया, मैंने एक भयावह दुःस्वप्न देखा। रक्तपात, जनसंहार, मृत सैनिकों से पटी रणभूमि, जिसकी कल्पना ही इतनी डरावनी है, वो प्रत्यक्ष में कितना भयावह होता होगा। नागों और गरुड़ों का युद्ध टल जाएगा ना? मित्र चितांतक, युद्ध तो सदैव विनाशकारी ही होता है, परंतु तुम चिंता मत करो। हमने अथक परिश्रम करके शांति के जो बीज बोए हैं, वो अवश्य अंकुरित होंगे। कल नाग प्रतिनिधियों के समक्ष सत्य प्रमाणित हो जाएगा कि नागराज पंचपन गरुड़ राज्य में नहीं है। तब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। ये कैसी ध्वनि थी, तुम्हें नहीं सुनाई थी? नहीं तो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये ध्वनि मेरा भ्रम था या किसी भावी अनिष्ट का संकेत? चिंता करना तो हनुमान के स्वभाव के विपरीत है, तब भी मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? आपने तो मुझे आश्वस्त कर दिया हनुमान भैया, और स्वयं इतने अधीर हो रहे हैं। मैं भूषण को लेकर आशंकित हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ वो कहाँ रह गया। रुकिए हनुमान भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, क्या किसी राजा ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? अभी हमें किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो मेरे महानतम वाली महाराज वाली के आदेश की अवमानना करेंगे। कोई बात नहीं, वे स्वेच्छा से नहीं आएंगे तो महानतम वाली उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आएगा। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? भूषण, कहाँ हो? मित्र भूषण, तुम कहाँ हो? किधर हो तुम? भूषण, जल्दी से और आ रहा है, चलो इसे कहीं और छुपा दे। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मित्र भूषण, भूषण, कहाँ हो तुम? मित्र भूषण, मित्र भूषण, कहाँ हो? भैया हनुमान, आपको ये ध्वनि सुनाई दी? नहीं तो? हाँ, संभव हो सकता है
के भूषण हाँ? मित्र भूषण, मित्र भूषण हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो? वो देखिए हनुमान भैया, वो आकृति, वो तो तुम्हारे मन का भय है, बस झाड़ियाँ ही तो हिल रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब हाँ चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। हाँ।